स्टूडेंट्स, इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रेजिस्टेंस दैट इज इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक, हम रेजिस्टेंस सीरीज में और पैरेलल में कैसे जुड़ते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, एक चीज यहां समझ लीजिए, पहले हमारे पास चीजों को जब जोड़ते हैं तो सीरीज और पैरेलल में कैसे जुड़ते हैं ये क्लियरिफाई होना जरूरी है। मान लीजिए हमारे पास ये तीन रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है, इन तीन रेजिस्टेंसेस को हमें सीरीज में जोड़ना है। तो हम सीरीज में जब जोड़ते हैं तो एंड टू एंड जोड़ते हैं, मींस इसके एंड को इसके साथ और इसके एंड को इसके साथ। अगर आप इस तरह से जोड़ रहे हैं दैट इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जबकि पैरेलल में अगर जोड़ा जाता है तो ये तीन रेजिस्टेंसेस को एक के ऊपर एक रख कर इस तरह से हम जो है जोड़ते हैं और इनके एंड्स को एक तरफ जोड़ दिया जाता है और इसके एंड्स को एक तरफ जोड़ दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज और पैरेलल आपकी समझ में आया, ठीक है। यहां भी एक बार ड्रॉ करके हम दिखाएं। अगर मान लीजिए एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये है, एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस है, दिस इज आर वन, दिस इज आर टू और ये आर थ्री, क्लियर। इसे ए मान लीजिए, इसे बी और सी रेजिस्टेंस। अगर इसे सीरीज में जोड़ा जाएगा तो सीरीज में जोड़ने के लिए आप पहले ए को लेंगे यानी आर वन रेजिस्टेंस और इसके एंड से आप आर टू को जोड़ देंगे इस तरह से आर टू, ठीक है। ये बी वाला यहां जुड़ जाएगा और इसी के साथ आप सी को जोड़ देंगे इस तरह से आर थ्री। तो ये कहलाया जाता है सीरीज कनेक्शन। पैरेलल में क्या करते हैं, पैरेलल में हमने जैसे यहां ये तीन लिए थे ए बी सी को यहां पर ही इस तरह से जोड़ दिया जाता है, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ए बी दो पॉइंट्स पे इस तरह से जोड़ दें। एक चीज और समझिएगा, यही समझ लीजिए पढ़ने से पहले, यहां पे अगर आप करंट फ्लो कराते हैं आई किसमें, सीरीज में, तो यहां जो आई करंट फ्लो करेगा तो ये आई करंट अगर आप इधर ए से फ्लो कराते हैं तो आर वन में से भी आई करंट ही पास होगा, आर टू में से भी आई करंट ही पास होगा और यहां फाइनल करंट भी आई आएगा। दैट मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कैसा रहता है, सेम रहता है, ये याद रखिएगा आगे तक, ठीक है। यहां पोटेंशियल अलग अलग होता है, करंट सेम, सिर्फ करंट याद रखिए, करंट सेम होता है किसमें, सीरीज में। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर अगर आप यहां से आई करंट पास कराते हैं तो ये आई करंट को तीन रास्ते मिल गए जाने के लिए, डिवाइड हो गया यहां से, तो यहां पर करंट आई पास हुआ, मान लीजिए इसमें आई वन, सॉरी इसमें आई टू और इसमें पास करेंगे तो आई थ्री, यानी आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, तीन जगह डिवाइड हो गया। तो पैरेलल में हमेशा याद रखिए कि करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक, करंट सेम नहीं रहता, यहां करंट सेम रहता है। ये बेसिक चीज है जो आपको माइंड में रखनी है पढ़ते समय, क्लियर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन और इसका डेरिवेशन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है, ठीक। सीरीज कॉम्बिनेशन इज यूज्ड व्हेन रेजिस्टेंस इन सर्किट इज टू बी इंक्रीज्ड और करंट टू बी डिक्रीज्ड। अभी आपने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देखा कि अगर आप जो है वो रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं, सीरीज में हमेशा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक, या हम करंट को कम करना चाहते हैं तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, इसे अभी समझेंगे। दूसरी बात, रेजिस्टेंस आर जॉइंट एंड टू एंड। अभी मैंने आपको बताया आप रेजिस्टेंसेस को एंड टू एंड जॉइन करते हैं इस तरह से सीरीज में। सेम करंट इज फ्लोन बाय ईच रेजिस्टेंस। हर रेजिस्टेंस के अंदर से करंट कैसा पास हुआ था अभी, आई करंट, दैट मीन सेम करंट पास होता है सीरीज में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों किए जाते हैं, अगर आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है या करंट को डिक्रीज करना है, इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस एंड टू डिक्रीज करंट, देन सीरीज रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन इज फॉलोड, ठीक। सेकेंड चीज, हम कहते हैं करंट सेम फ्लो करता है इसके अंदर और दूसरी बात जो रेजिस्टेंस है वो एंड टू एंड ज्वाइन किए जाते हैं। आइए स्टडी करते हैं। मान लीजिए हमारे पास तीन रेजिस्टेंसेज हैं आर वन, आर टू, आर थ्री। हमने इन तीन रेजिस्टेंसेज को सीरीज में जोड़ा जैसे अभी रिप्रेजेंटेशन में बताया गया था, क्लियर। तो हर रेजिस्टेंस जो हमने अलग अलग लिए थे, तीन रेजिस्टेंसेज आपको डिस्क्राइब किए थे ना अभी, R1, दिस इज R2 सपोज,
R2 एंड दिस इज R3 मान लीजिए, तो इनके पोटेंशियल तो अलग अलग होगा क्योंकि अलग अलग पावर के रेजिस्टेंसेस हैं, तो सबका पोटेंशियल अलग अलग होगा। मान लीजिए इसका पोटेंशियल V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है, तो यहां पर इस R1 का पोटेंशियल V1, R2 का V2 और R3 का V3, ठीक, और टोटल पोटेंशियल A से लेकर B तक कितना आया, V, क्लियर। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन, करंट हमने फ्लो कराया ए पॉइंट से, सपोज आई करंट हमने इधर की तरफ फ्लो कराया, ठीक है, इस सब में से आई पास होगा। तो यहां हमने क्या माना, लेट वी हैव थ्री रेजिस्टेंसेस आर वन आर टू आर थ्री, ठीक, ये लिखा। वी क्या है, टोटल पोटेंशियल बिटवीन ए टू बी। वी वन वी टू वी थ्री क्या है, पोटेंशियल बिटवीन या पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टेंस आर वन आर टू एंड आर थ्री। और आई क्या है, करंट फ्लोन इन द कंडक्टर और करंट फ्लोन बिटवीन ए टू बी, क्लियर। अब हम जानते हैं दैट वी नो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर, ये हम पढ़ चुके हैं, वी इज इक्वल टू आई आर हमने पढ़ा है। अगर वी इज इक्वल टू आई आर है तो यहां पे सो वी वन की वैल्यू क्या होगी, वी इज इक्वल टू आई आर, देन वी वन इज इक्वल टू आई आर वन। आई क्यों लिया हमने, क्योंकि यहां देखिए करंट सेम है, हमने आपसे कहा था करंट सेम होता है इसके अंदर, एक ही रास्ता है जाने का आई, तो यहां पर भी करंट क्या पास होगा, आई, यहां पर भी क्या करंट पास होगा, आई, सेम करंट होगा, करंट डिवाइड नहीं होता। तो V1 इज इक्वल टू आई आर वन एंड V2 इज इक्वल टू आई आर टू एंड V3 इज इक्वल टू आई आर थ्री। तो V इज इक्वल टू आई आर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर वन, then V2 is equal to IR2 equation number 2, और similarly V3 is equal to IR3 equation number 3, clear? ये तीन equations हमारे पास आती हैं। अब हमें पता है कि V क्या है, this V is equal to V1 plus V2 plus V3, we know V is equal to V1 plus V2 plus V3। तो यहां पर इनकी वैल्यूज रख देंगे, यानी कि ये जो तीनों वैल्यूज आपने यहां ली थी, हम इसको कंबाइन कर देते हैं, सपोज इक्वेशन नंबर वन, ये तीनों, ठीक, वी नो वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, इक्वेशन नंबर टू माना, पुटिंग इक्वेशन नंबर वन इन इक्वेशन नंबर टू, आप वन की वैल्यू को टू में रख दीजिए तो क्या आएगा। अब देखिए वी इज इक्वल टू क्या है, वी इज इक्वल टू है आई R S, V is equal to I R है ना। अब S क्यों लगाया, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक, तो हमने सीरीज शो करने के लिए स्मॉल s नीचे लगाया, तो V की जगह क्या आया, I R और I R S, और V1 की जगह हम क्या लिखेंगे, ये वैल्यूज, दैट मीन्स I R S इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, और आई आर एस इज इक्वल टू आई कॉमन निकालेंगे आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आई से आई कैंसिल होगा तो क्या बचा, आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, एंड दिस इज रेजिस्टेंस इन सीरीज। यानी सीरीज में रेजिस्टेंस, अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब पूरा रेजिस्टेंस निकालना है तो आप सिंपल ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं आर वन की वैल्यू मान लीजिए रेजिस्टेंस इन सीरीज वन ओम है, आर टू की टू ओम है, आर थ्री की थ्री ओम है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, थ्री टू फाइव एन वन सिक्स, आर एस इज इक्वल टू सिक्स ओम, हम फाइनल आंसर कहते हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल, क्लियर। तो हम सिंपल ऐड करते हैं, ठीक है। यहां एक चीज मैं क्लियर कर दूं आपको, रेजिस्टेंस इन सीरीज अगर वो कहता है बहुत सारे रेजिस्टर्स, सपोज वन ओम के रेजिस्टर्स हैं और 120 रेजिस्टर्स हैं, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आप सिंपल वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन 120 टाइम्स नहीं लिखते, आप क्या लिखते हैं, तो यहां कह सकते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू एन आर, एन क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। अगर एक ही रेजिस्टर है यानी वैल्यू सेम है, इफ आर इज द वैल्यू, मान लीजिए एक कॉमन वैल्यू है 150 रेजिस्टर्स ऑफ 7 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो आप क्या करेंगे, 150 टाइम्स 7 प्लस 7 प्लस 7 नहीं लिखते, आप लिखते 7 मल्टीप्लाई बाई 150, तो आपको वैल्यू मिल जाती है। दिस इज अ कॉमन थिंग, ये हर कोई बच्चा इतना मैथ जानता है, लेकिन फिर भी हमने आपको बताया। दूसरी चीज, हमेशा सीरीज में याद रखिएगा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, जब फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलवाया जाता है तो जो आंसर आता है हमारा
जैसे सीरीज का हमने यहां निकाला 3, 2, 1, तो हमारे पास रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना आया था 6 ओम फाइनल आंसर। तो ये जो फाइनल आंसर आएगा आपका, ये सबसे बड़े रेजिस्टेंस से वैल्यू ज्यादा आएगी। तो ये कॉमन चीज है अगेन मैथ के अंदर, आप जितनी चीजों को जोड़ते हैं तो आपका फाइनल आंसर सबसे बड़े से भी ज्यादा आता है। ठीक है, ये हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि पैरेलल जब पढ़ाएंगे तो भी हम इन दो बातों का जिक्र करेंगे। दिस इज रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। सो नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू स्टडी रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक, पैरेलल में हमने बताया था आपको रेजिस्टेंस इस तरह से एक के ऊपर एक रख के एंड टू एंड जोड़ दिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरेलल रेजिस्टेंस। और पैरेलल में यहां समझिए, ये तीन रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2, R3। क्लियर, तो एक ये रहा R1, एक ये रहा R2, एक ये रहा R3। तीनों को जोड़ना है, R1, R1 के बाद R2, R2 के बाद R3, और इन तीनों को एक तरफ जोड़ दिया। तो हमने इन तीनों के एंड्स को एक पॉइंट पे लाकर जोड़ दिया। तो R1, R2, R3 को जब जोड़ा तो इसमें से यहां A से करंट फ्लो कराया। क्या कराया, करंट, देन I करंट यहां से फ्लो कराया। तो बेटा तीन रस्ते मिले जाने के, तीन रस्ते कौन से, यहां से देखिए करंट तीन जगह बट गया, 1, 2, 3। तो मान लिया यहां I1, यहां I2, यहां I3 में डिवाइड हुआ, R1, R2, R3 तीन रेजिस्टेंस, I इज द टोटल करंट फ्लोन इन द सर्किट। क्लियर, तो यहां हमने क्या माना, हमने यही को एक्सप्लेन किया, R1, R2, R3 आर द थ्री रेजिस्टर्स। ठीक है, R1, R2, R3 तीन रेजिस्टर लिए, V क्या है, टोटल पोटेंशियल बिटवीन A एंड B। ठीक, यहां पोटेंशियल सेम रहेगा, वहां करंट सेम था, आई टोटल करंट जो सर्किट में फ्लो कराया। अब करंट तीन जगह डिवाइड हुआ तो R1 में से कितना करंट पास हुआ, I1, R2 में से I2 एंड R3 में से I3। तो I1, I2, I3 क्या हुआ, करंट इन रेजिस्टर इन R1, R2 एंड R3। अब हमें यहां क्या पता है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है। ठीक है, तो क्लियर। अब यहां हम कहते हैं वी नो, हम क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या चीज पढ़ी थी, V इज इक्वल टू IR। तो यहां से अब I की वैल्यू निकालें हम, तो I1, ठीक, I1 की वैल्यू, तो यहां क्योंकि ये चीज है ना तो हमें वैल्यूज पुट करनी होंगी, जैसे पहले हमने V की वैल्यू पुट करी थी। तो I1 की वैल्यू कितनी होगी अगर निकालते हैं, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, I इज इक्वल टू V अपॉन R। ठीक, तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, क्योंकि पोटेंशियल यहां पे सेम है, V अपॉन R1। ठीक, I2 इज इक्वल टू क्या आएगी, सिमिलरली इसी तरह से स्टूडेंट्स, V अपॉन R2 एंड I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। और ये तीनों इक्वेशंस को हमने एक साथ इक्वेशन नंबर 1 माना। ठीक, और ये क्या थी, इसे 2 मान लीजिए चलिए, एंड इसे 1 मान लीजिए। नाउ पुटिंग दिस इक्वेशन नंबर 2 इन 1, putting equation number 2 in 1, इसको जब इसमें रखेंगे तो सिंपल, I की वैल्यू क्या, अब I यहां पे क्या है, दैट इज V अपॉन R, और हम क्या निकाल रहे हैं, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो हम लिख सकते हैं, यानी कि putting this I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I की वैल्यू क्या आई, V अपॉन R P, P माने पैरेलल निकाल रहे हैं। ठीक है, दिस I V अपॉन R है ना, R P कर दिया हमने। I1 की वैल्यू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, V कॉमन निकाला, V अपॉन RP, दैट इज V कॉमन निकाला, तो V इधर लिखा जाएगा, क्या आएगा, टोटल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्लियर, V से V कैंसिल होगा तो क्या आया, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दिस इज द फाइनल डेरिवेशन ऑफ पैरेलल। तो पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्लियर, अब जब कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो याद रखिएगा, सपोज मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे कहा 1 ओम 2 ओम 3 ओम। क्लियर, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे साहब 1 अपॉन RP निकलवा रहे हैं आप, आप कहेंगे कि 1 अपॉन RP की वैल्यू निकालनी है, तो 1 अपॉन 1 ओम प्लस 1 अपॉन 2 ओम प्लस 1 अपॉन 3 ओम LCM लेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा, देन 6
3, 2. That is 11 upon 6. So 1 upon RP is equal to 11 upon 6. ठीक? आप डिवाइड कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे आप. डिवाइड करेंगे तो 1 कितना आएगा? 6 1 6 1 point something, है ना? नहीं, गलत हो गया. आप इतना करने के बाद क्या करते हैं, हमेशा याद रखिएगा, 1 upon RP, ये वैल्यू 1 upon RP की है और आपको निकालना है रेजिस्टेंस इन पैरेलल, दैट मींस RP निकालना है. तो RP निकालेंगे तो ये चीज पलट जाएगी, यानी कि 6 upon 11, और जब डिवाइड करेंगे तो 0 point something आएगा. क्लियर? ये ध्यान रखने वाली चीज है. मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालना बड़ी जल्दी निकाल देते हैं. 1 upon RP की वैल्यू निकाल के रख दिया आपने, वो 1 upon RP की वैल्यू है. RP निकालेंगे तो ये वैल्यू पलटेंगे, ठीक, और डिवाइड करेंगे. क्लियर? जब आप वैल्यू निकालेंगे तो यहां से आगे की चीज समझिए. यहां तक तो क्लियरफाई हो गया, ये हमने आपको कैसे निकालना है फ्यूचर में ये बताया, आगे न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे. अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे हमने पहले कहा था, इन सीरीज में अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस दिए जाए, 150 रेजिस्टेंस है जो कि 1 ओम के हैं, तो हमने कहा था 1+1+1 आप 150 टाइम्स नहीं करेंगे, आप n इंटू आर कर देंगे, 150 इंटू 1 ओम, सिंपल 150 ओम आंसर आ जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स. लेकिन यहां पे क्या करते हैं, अगर n रेजिस्टेंस, इफ n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स ईच ऑफ वैल्यू आर, अगर आपको 150 देता है कि 150 रेजिस्टेंस, 150 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल हैविंग अ वैल्यू ईच ऑफ वैल्यू 1 ओम, तो आप क्या करेंगे, तब आप n into r कर रहे थे सीरीज में, अब आप क्या करेंगे, सपोज 1 upon अगर ऐसा देता है तो 1 upon rp is equal to 1 upon r plus 1 upon r, 1 upon r n times, 150 times जो भी होगा, तो 1 upon rp is equal to n upon r होगा, और rp की वैल्यू अगेन यहां की तरह करेंगे, निकालेंगे तो ये पलट जाती है r upon n, यानी कि 150 150 resistances of 1 ohm देता है, 150 नीचे 1 ohm ऊपर, सिंपल डिवाइड कीजिए, आंसर गेट आउट हो जाएगा, क्लियर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा. तो ये तो सिंपल था, ठीक, ये याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहां से रेजिस्टेंस से न्यूमेरिकल श्योर शॉट आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए. दूसरी बात पैरेलल, अब ये बहुत ध्यान दीजिएगा, हमने कहा था कि टोटल रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर सबसे बड़े रेजिस्टेंस से आपका आंसर ज्यादा आता है, सीधी सी बात ही, 1 ओम का, 2 ओम का, 3 ओम का, सबको जोड़ा, 3 और 2 5 और 1 से 6 ओम आंसर आया था सीरीज में, और 6 ओम क्या था, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा था, 3 ओम का, तो वो 3 से भी बड़ा आया ना आंसर, ठीक है, ये तो कॉमन मैथमेटिक्स से होता है. लेकिन पैरेलल में क्या करेंगे, जब आप पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो जो भी रेजिस्टेंसेस दिए गए हैं जिनका पैरेलल निकालना है इक्विवेलेंट, उसमें सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी आंसर कम आना चाहिए. जैसे यहां पर क्या किया, सबसे छोटा रेजिस्टेंस क्या था, 1 ओम का, 1, 2, 3 का दिया, तो 1 सबसे छोटा, तो आपका आंसर 1 से भी कम आना चाहिए. अगर नहीं आ रहा, दैट मींस आपने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फॉर्मूले में गलती करी है, कहीं ना कहीं आंसर गलत है. तो यहां आंसर हमने क्या किया, 11 अपॉन 6 करते हैं तो क्या आता, 6 1 जा 6 एंड पॉइंट समथिंग, 1 से ज्यादा आ रहा है, गलत हो रहा है, दैट मींस आपको इसे पलटना था, 11 अपॉन दिस 6 अपॉन 11, पलटिए 1 अपॉन RP को RP में कन्वर्ट कीजिए, ये पलटेगा तब 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तब आपका आंसर ठीक है. दैट मींस आप सीरीज और पैरेलल के जब न्यूमेरिकल्स करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस निकालते हैं, तो इसमें आप अपने आप भी चेक कर सकते हैं अपना आंसर. जब आप पैरेलल निकालेंगे तो आपका आंसर जो भी आएगा वो सीरीज में सबसे, सॉरी पैरेलल में सबसे छोटा रेजिस्टेंस जो भी आपको दे रखा है उससे आंसर कम आना चाहिए, ठीक, और सीरीज में तो नेचुरली ऐड करने पे सबसे बड़े से ज्यादा ही आना चाहिए, ठीक है. तो इस तरह से आप अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर वैल्यू को चेकआउट कर सकते हैं, और ये सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूले डेरिवेशन श्योरली कीजिएगा तैयार, ये एग्जामिनेशन में श्योर पूछा जाता है, प्लस सीरीज और पैरेलल के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक. तो अब हम आगे देखते हैं, डियर स्टूडेंट्स, अब हमने सीरीज और पैरेलल जो पढ़ा उसका एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, क्योंकि इसको इनपुट आपको कहां करना है, न्यूमेरिकल्स में, समझ में आना चाहिए आपको, तभी आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, करंट, पोटेंशियल, ये सारी चीजें निकाल पाते हैं. देखिए, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, हमने क्वेश्चन फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया, क्वेश्चन में वो आपको कैसे दे सकता है, सुन लीजिए लैंग्वेज. अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड विद द फॉलोइंग रेजिस्टेंसेस एज शोन इन द गिवन डायग्राम, वेयर R1 is equal to 10 ohm, R2 is equal to 40 ohm, R3 is equal to 30 ohm, R4 is equal to 20 ohm and R5 is equal to 60 ohm. ये इनकी values दे दी जाए. और आपसे कहा जाता है calculate equivalent resistance of the circuit, पूरे circuit का equivalent resistance निकालिए, साथ ही साथ में total current flown in the circuit निकालिए. Clear? अब देखिए कैसे करते हैं. ये representation जो आपने बनाई, ये given होगी, ठीक है? ये given है. Given है तो आपको ये इस तरह से दे दिया गया. अब हमें नहीं पता चल पाता कि कौन सा सीरीज में, कौन सा पैरेलल में है.
देखिए यहां तो आप कह सकते हैं एकदम देख के, क्योंकि आप चैप्टर पढ़ चुके, थोड़ा बहुत जानते हैं कि साहब ये पैरेलल ये पैरेलल, ठीक। लेकिन फर्दर कैसे जुड़ेंगे, या हम आपसे कहें कि कभी कभी वो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन दे देता है, लीजिए ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि कैसे पता चलता है। देखिए एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक रेजिस्टेंस सपोज ये है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। अब ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है। अब कैसे पता चलेगा कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में? वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता है और कहता है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट ए एंड बी व्हेन R1 इज इक्वल टू 1 ओम, R3 इज इक्वल टू 2 ओम एंड सो ऑन, वो सब देगा। अब कैसे बताएंगे आप कि कैसे सीरीज में जुड़ा, कैसे पैरेलल में? तो इसे समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि यहां पे तो ये इस तरह के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस के रिप्रेजेंटेशंस आते हैं और इक्विवेलेंट आपको निकालना होता है। तो यहां समझ लीजिए कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत सिंपल तरीका है। देखिए हमेशा याद रखिए, जब आपको समझ में नहीं आता या आपको नहीं पता, सो स्टूडेंट्स इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर आपको गिवन है कि आर वन की वैल्यू कितनी है, आर टू, आर थ्री, आर फोर, आर फाइव, ठीक। अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, पहला पार्ट करते हैं हम इसका, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो जब कभी भी आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं और आपको नहीं पता कौन सी चीज कैसे जुड़ रही है, तो सबसे आसान तरीका क्या होता है? सबसे आसान तरीका है कि आप इसमें करंट फ्लो करा दीजिए किसी एक पॉइंट से, ठीक। आपने करंट फ्लो कराया यहां से, सपोज आई, आई करंट आप एक पॉइंट से फ्लो कराइए, ठीक, और दूसरे पॉइंट पे लाके इकट्ठा करना होता है बस। और हम जानते हैं कि सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है और पैरेलल में हमने क्या पढ़ा है, डिवाइड हो जाता है वन आई टू आई थ्री में, बस वहीं पकड़ में आ जाएगा कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में। आपने करंट आई फ्लो कराया, ठीक, ये करंट यहां पर क्या आया, आई करंट आया, ठीक। अब करंट आई को दो रास्ते मिले जाने के, तो इधर से करंट आई वन पास हुआ और इसमें से करंट आई टू पास हुआ, क्लियर। बाहर निकला करंट वापिस कैसा हो गया, आई आई वन आई टू जुड़ गए ना यहां पर आई, यहां से करंट आया तो घूम के कैसा आया, आई करंट, ठीक है। फिर ये आगे जाके डिवाइड हो गया, आई को फिर आपने डिवाइड क्या किया साहब, इस वाले में से रजिस्टर में से करंट आई वन पास हुआ, इसमें से करंट बीच वाले में से आई टू पास हुआ और नीचे वाले में से सपोज आई थ्री पास हुआ, और फिर बाद में करंट क्या हो गया, आई, और दूसरे पॉइंट पे आ गए, बस इतना करना है आपको, ठीक। अब यहां देखिए करंट डिवाइड हुआ ना, आई से डिवाइड हो गया, जब डिवाइड हो गया तो कहां पड़ा था, डिवाइड होता है पैरेलल, तो इसका मतलब R1 R2 कैसे जुड़े हैं, पैरेलल, क्लियर। करंट आई आया यहां, फिर डिवाइड हो गया, अगेन I1 I2 I3, फिर ये तीनों रेजिस्टर कैसे जुड़े हैं, अगेन पैरेलल, बस आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लिखते हैं सिंस R1 R2, R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, शॉर्ट में सिंबॉलिकली लिख रहा है पैरेलल। जब ये पैरेलल है तो यहां क्या निकालेंगे, पैरेलल है तो फॉर्मूला रखेंगे वन अपॉन आर पी इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। वैल्यूज रख दीजिए, वन अपॉन आर पी इज इक्वल टू आर वन की वैल्यू कितनी थी, 10 ओम, वन अपॉन 10 प्लस वन अपॉन 40, ठीक। तो वन अपॉन आर पी कितना आएगा, 40 और ऊपर आएगा 5, तो आर पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40/5, मैंने आपको बताया था इसे पलटेंगे, तो आर पी की वैल्यू कितनी आई, 8 ओम, ठीक। अब सबसे छोटा रेजिस्टेंस क्या था, चेक कर लीजिए, आर पी अगर 8 ओम आया तो हमने कहा था पैरेलल में छोटे रेजिस्टेंस से भी आंसर कम आना चाहिए, सबसे छोटा रेजिस्टेंस आपका 10 का है, 10 से आंसर कम आया, क्लियर। तो ये आरपी आ गया आपके पास, ठीक। आपने इस पूरे का फाइनल आंसर निकाल लिया, कैसे निकाल लिया, यहां एक रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ कर लें जरा दोबारा से, ये प्लस था और आपने इन दोनों को कंबाइन कर दिया ना, तो आपके पास फाइनल रेजिस्टेंस जो निकल के आया 8 ओम का आया। अब आपके पास एम्पियर और इसके बाद तीन रिप्रेजेंटेशन ये और हैं, दिस वन एंड दिस वन, इसको और कैलकुलेट करना है। तो आपने इतना समझ में आ गया, इसका आंसर निकाल लिया, अब आपका ये निकालना है, ठीक, इसका इक्विवेलेंट कितना है। तो ऐसे ही आप करते हैं, सिंस आर थ्री कॉमा आर फोर कॉमा आर फाइव आर इन पैरेलल,
तो फॉर्मूला रखेंगे 1 अपॉन आरपी। अब देखिए इस आरपी में हमने आरपी माना, इसको थोड़ा सा बदल ले आरपी डैश कर लेते हैं जिससे इन दोनों में अंतर आ जाए। ठीक, 1 अपॉन आरपी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन वैल्यूज रखेंगे 30 20 60, यानी कि 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 60। तो 1 अपॉन आरपी डैश इज इक्वल टू, यहां एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा आपका, एलसीएम आएगा 60। ठीक, 3 2 जा 60, 2 3 जा 6 1 जा, तो कितना आएगा आपके पास, आपके पास आएगा 2 प्लस 3 प्लस 1 यानी कि 6। क्लियर, तो 1 अपॉन आरपी डैश इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन 10, और यू कैन से आरपी डैश इज इक्वल टू 10 ओम। हमने आपको बताया फिर पलटना होता है इसको आरपी की वैल्यू, तो आरपी डैश और आरपी की वैल्यू आपके पास आ गई। अब यहां ये जो तीनों की वैल्यू थी ये कितनी निकल के आई, अब आप कह सकते हैं फाइनल इक्विवेलेंट बन गया ये 10 ओम का। आंसर अभी फाइनल नहीं आया, आपको इक्विवेलेंट निकालना था, तो आपने इतने काम करके इसमें कन्वर्ट कर लिया, आप चाहे तो रफ बना सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। ठीक, अब कन्वीनियंस के लिए आपने ये काम किया, 12 वोल्ट की बैटरी है, तो आप देखें करंट फ्लो कराएं, यहां से करंट आई पास कराया, तो आर इसमें से करंट क्या पास हुआ, आई करंट ही तो पास हुआ, वही आई करंट यहां आया, इसमें से क्या करंट पास हुआ आई। अब करंट कैसा है, यहां भी सेम, यहां भी सेम, तो ये दोनों अब कैसे जुड़े, सीरीज, आपने पढ़ा था आई सेम करंट किसमें होता है, सीरीज में, तो अब ये कन्वर्ट किया गया इसमें और करंट कैसा आया, सेम, तो हम क्या लिखते हैं इसके बाद, नाउ दिस वन आरपी, क्योंकि ये वैल्यू 8 ओम क्या है, आरपी एंड आरपी डैश आर इन सीरीज, और जब ये सीरीज में है तो आर एस इज इक्वल टू आरपी प्लस आरपी डैश, और वैल्यू क्या होगी, 8 ओम प्लस 10, दैट इज आर एस इज इक्वल टू 18 ओम इज द फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये आपका फाइनल आंसर आया। तो यहां आपने क्या किया, हमें नहीं पता था सीरीज है या पैरेलल, आप सिंपल करंट फ्लो कराइए, एक एंड से कराइए दूसरे एंड पे ले आइए, अगर डिवाइड हो रहा है देन सीरीज, और अगर सेम रहता है देन इट इज, सॉरी डिवाइड होता है देन पैरेलल, और सेम होता है तो सीरीज, और आंसर कैसा है, 18 ओम, अगेन आपके सबसे बड़े रेजिस्टेंस 10 से भी ज्यादा है। तो यहां पर इस तरह से हम वैल्यूज को रखते हैं, न्यूमेरिकल रेजिस्टेंस पे श्योर शॉट आता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना अच्छी तरह आना चाहिए आपको। ठीक है, हम एक सेपरेट वीडियो बनाकर उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे, लेकिन आपको यहां वैल्यूज कैसे रखी जाती हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है, ये आपको बताया गया। सो नाउ स्टूडेंट्स, हमने सीरीज पैरेलल के न्यूमेरिकल्स को कंसंट्रेट करते हैं थोड़ा सा। देखिए ये आपको हमने यहां एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है, अब कैसे करने होते हैं इसे समझिएगा। फर्स्ट पार्ट और सब में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलवा रहा है, ठीक, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट पार्ट में उसने गिवन है ये तीन रेजिस्टेंसेस, ठीक, तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए एंड बी पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। सिंपल तरीका, बार बार मैं आपसे कहता हूं करंट फ्लो कराइए, तो मैं यहां बता रहा हूं केवल आपको, कैलकुलेट आप खुद करेंगे कैसे करना है, मेन चीज समझ में आना है। देखिए यहां से हमने आपसे कहा क्या फ्लो कराए, करंट फ्लो कराइए, आई करंट फ्लो कराया, जाने के दो रास्ते मिले, यहां से करंट आई वन और नीचे वाले में आई टू, ठीक, 6 ओम में से क्या पास हुआ आई वन, फिर यही करंट आगे आएगा और इस वाले 6 ओम में से क्या पास होगा आई वन, यहां आके मिल जाएगा आई वन और ये आई टू आके यहां मिल जाएगा, फाइनल करंट फिर आई हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहां आई वन यहां आई वन, दैट मीन सेम करंट, तो ये दोनों कैसे हैं सीरीज में, और इनके साथ ये कैसा है आई वन एंड आई टू देन इन पैरेलल, क्लियर। तो आप क्या करेंगे, पहले I1 को जोड़ दीजिए 6 एंड 6 12, तो फाइनल आंसर यहां पे जो आएगा वो क्या आ जाएगा 12 ओम, ठीक है, क्लियर। अब ये 12 ओम आया, तो अगर मैं इसको मिटा दूं, ये फाइनल आंसर जब आप निकालेंगे इसको, तो यहां पे क्या आंसर आ जाएगा आपका 12 ओम, और करंट क्या था इसमें I1। अब बेटा ये I1 दिस वन एंड दिस I2 ये कैसे करंट है, अलग अलग है ना, तो कैसा होगा पैरेलल, तो अब फिर आप कैसे निकालेंगे दिस 12 और 6 को पैरेलल में निकालेंगे, देन यू विल गेट द फाइनल आंसर। समझ में आया, फिर समझिए ये रहा एक और डायग्राम, इसके अंदर फिर क्या किया हमने, हमें नहीं पता कैसे जुड़ा है, आई करंट फ्लो कराया, आई करंट फ्लो कराया तो करंट को दो रास्ते मिल गए जाने के, दिस वन इज आई वन एंड दिस वन इज आई टू, अब इस वाले में से आई वन करंट पास, इसमें से आई टू करंट पास, कैसे हो गए पैरेलल जोड़ दो, पैरेलल में 1 अपॉन आरपी फॉर्मूले के साथ फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा।
ठीक है, और फाइनल आंसर क्या होगा, 6 से कम आएगा। इसी तरह से यहां से I करंट पास कराया, देन अगेन ये भी डिवाइड हो गया I1 एंड I2, ये भी कैसा हो गया पैरेलल, पैरेलल में फिर इसको जोड़ दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। दोनों फाइनल आंसर जो होंगे वो क्या जुड़ जाएंगे, I1 I2 फाइनल आंसर, इसका I1 I2 फाइनल आंसर, दोनों कैसे होंगे, दिस वन एंड दिस वन, जब फाइनल आंसर में करंट फ्लो कराते हैं तो क्या I करंट दोनों में सेम करंट, दैट मींस सीरीज, क्लियर, तब निकलेगा। पहले इसको कैलकुलेट कीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए, दोनों को एक साथ कर दीजिए, सीरीज में आ जाएगा, सीरीज में सेम करंट होगा, देन आप उसको सीरीज फॉर्मूले से जोड़ेंगे, तब आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा दिस वन। अब इसके अंदर कहां से करंट फ्लो कराएं, ठीक ए और बी पॉइंट पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछेगा वो आपसे, तो ए पॉइंट पे थोड़ा सा अपनी तरफ से आगे बढ़ा के आई करंट पास कराया, दो रास्ते मिले इसे जाने के, इसमें से I1 इसमें से I2, ये घूम के यहां आया, यहां आया तो I1 ही तो घूम के यहां आएगा, तो इसमें से भी I1 करंट। अब देखिए यहां I1 यहां I1 कैसा, सेम करंट, दैट मीन सीरीज, तो आप 2 और 1 को कैसे जोड़ देंगे सीरीज में, 3 ओम, क्लियर। वो जो फाइनल आंसर आएगा आपका, वो फॉर एग्जांपल ये आया 3 ओम, इसमें करंट क्या है I1, तो ये वाला और ये वाला I1 I2 कैसे जुड़ेंगे फिर फाइनली, पैरेलल, क्योंकि दोनों अलग अलग करंट है, देन 1/3 प्लस 1/1.5 फाइनल आंसर मिलेगा। यहां भी ऐसे ही करेंगे, आप करंट को फ्लो कराएंगे अपने पास से, आई तीन रास्ते मिल गए इसे जाने के, एक तरफ से I1 पास हुआ, एक में से I2 पास हुआ, एक में से I3, ये I1 ही घूम के यहां आएगा तो ये I1, ये I3 ही घूम के यहां आएगा तो I3, फाइनली यहां आके जुड़ जाएंगे, करंट I बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए, देखिए इसमें I1 इसमें I1 कैसे जुड़ेंगे, सीरीज 3 एंड 2 5, I3 कैसे जुड़ेंगे सीरीज 3 एंड 2 5, तो ये 5 ये 5 और ये 1, और तीनों में करंट अगर कहें, इसमें से I1 फाइनल आंसर में से, इसमें से I2 इसमें से I3 तीनों में अलग अलग, तो 5 1 एंड अगेन 5 कैसे जुड़ जाएगा फिर से, दैट इज पैरेलल, और जुड़ेगा तो आपका आंसर क्या आएगा 5 5 और 1, तो आपका फाइनल आंसर 1 से भी कम आना चाहिए। देखिए दीज आर द टेक्निक्स ओनली, ऐसे ही यहां पर, ठीक, यहां से हमने करंट I फ्लो कराया, यहां आने के बाद करंट को दो रास्ते मिल गए, एक तरफ साहब I1 एक तरफ I2, ये I1 ही घूम के इधर से आया, I1 यहां मिला दिया हमने, अगेन करंट बन गया I। अब देखिए I1 देन सीरीज 3 एंड 3 6, 6 ओम फाइनल यहां पे आया आपका, ये एग्जांपल 6 ओम, इसमें से करंट कैसा है I1, अभी हमने पढ़ा। अब ये I1 और ये I2 कैसे जुड़ गए दोनों, देखिए कहां से स्टार्ट करते हैं, ये आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, आप पीछे से आप इस पॉइंट पे आएंगे, यानी कि आप इन सबको जोड़ के एक पॉइंट पे लाए, यहां से पीछे नहीं जाएंगे, आप पीछे से आएंगे पॉइंट पे, ठीक, आप यहां पे क्या करेंगे, इन दोनों को लेकर आएंगे इकट्ठा करके पॉइंट पर, इनको इकट्ठा करके पॉइंट पर, इनको इकट्ठा करके पॉइंट पर, तो पीछे की तरफ से इधर से चलते हैं पॉइंट पे आना है हमको, क्लियर। तो यहां 6 ओम, 6 और 3 कैसे जुड़ा I1 I2, देन अगेन इन I करंट, फाइनली जब आप देखते हैं, देखिए ये और ये, एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक रेजिस्टेंस ये रहा, पॉइंट ए एंड बी, जब आप कैलकुलेट करके इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका जो भी आंसर आएगा 3 एंड 6, तो आपका 3 से भी कम आएगा, सपोज 2.25 आएगा, ठीक, और 3 ये रहा, तो फिर कैसा हो गया, ये यहां से करंट I पास कराया, इसमें से भी I, इसमें से भी I, देन दिस इज इन सीरीज 3 एंड 3 6 7 8 8.25 विल बी द आंसर। तो इस तरह से हम सीरीज और पैरेलल को कैलकुलेट करते हैं, बेसिक फंडा याद रखिए, करंट डिवाइड हुआ देन पैरेलल, सेम रहा देन सीरीज, क्लियर। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको सीरीज पैरेलल किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इस वीडियो में समझ में आया होगा, तो घर पे ट्राई कीजिए, ठीक, न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर श्योर शॉर्ट पूछे जाते हैं, ठीक है, थैंक यू।